नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, हेलो फैमिली, कैसे हो? यूट्यूब फैमिली, सभी फ्रेंड्स, सभी भाई, सभी सिस्टर्स, सभी अच्छे होंगे। मैं नेहा वर्मा फिरोज़ाबाद से, जो कि मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पर, मैं अपना फैमिली ब्लॉग बना रही हूँ, नेहा वर्मा ब्लॉग, जिसका चैनल का नाम है नेहा फिरोज़ाबाद ब्लॉग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये मेरा पहला ब्लॉग है, मैं फिरोज़ाबाद की रहने वाली, यूपी फिरोज़ाबाद से। और मेरी फैमिली में 2-3 लोग हैं हम लोग। मेरा एक छोटा सा बेबी है जो अभी बुआ के घर गया है, और मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। देखो, अगर कोई मिस्टेक हुई हो फ्रेंड्स तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे नॉलेज नहीं है खैर ब्लॉग्स के बारे में, बट मैं अपना ब्लॉग्स बना रही हूँ। अगर ब्लॉग में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना फ्रेंड्स। तो अभी तो ये मैं अपने बाबू के कपड़े सिल रही हूँ। ऐसा है, बाबू ना छोटा है तो बैठते फट जाते हैं, तो अभी मैं अपने बाबू के कपड़े सिल रही हूँ। और अभी बहुत सारे कपड़े हैं, एक झोले, दो झोले, दो थैले भर के सिल दिए, अभी इतने कपड़े और रह रहे हैं जिनको मैं सिल रही हूँ। उसने फ्रेंड्स आज दिमाग ख़राब हो गया, हस्बैंड जी से लड़ाई हो गई, और जो खाना भी नहीं खाया उन्होंने, ना मैंने खाया, नहीं लड़ाई हो गई इसके लिए नहीं, वैसे ही नहीं खाया। तो अभी तो मैं अपने बाबू के कपड़े सिल के फिर इनको, ऐसा है कपड़े मैं इसलिए सिल रही हूँ, अभी नए लेके आओगे वो भी फटेंगे, तो इस अच्छा क्यों ना ये सिल के रख दूँ, पैसे की बचत होगी। अभी नया कपड़ा ले आओ वो फट जाएगा तो किसे लेंगे, नहीं बताइए, वो भी तो पुराना होगा। अब बताइए, न्यू पजामी थी बाबू की, ये विंटर, अब सर्दी आ रही है, अब देखो अब मेरा बाबू इसे पहन सकेगा ना अच्छे से, ये मैंने सिल दी है, फट गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखना अब ठीक है ना, बाबू पहनेगा, सर्दी आ रही है, छोटा सा बेबी है, सर्दी लग जाएगी। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे बाबू के, देखो फ्रेंड्स आप, देखो इतने सारे कपड़े मैंने सिल दिए हैं बाबू के, एक ही बैग भर के सिल दिया है फ्रेंड्स, और एक इतने कपड़े अभी रह रहे हैं सिलने के लिए, और ये हाथ में लगा है, इसको भी फ्रेंड्स सिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करना। क्या करूँ मैं भी, एक बहुत ज़्यादा तो पता नहीं मुझे, पर मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, और क्या बताऊँ फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बस ये एक घर है जिसमें मैं रहती हूँ रेंट पर, बहुत टूटा फूटा घर है, बहुत पुराना घर है। मेरी तमन्ना है कि मैं भी एक छोटा सा घर बनाऊँ, प्लीज़ आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से मेरा भी एक खुद का घर होगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, चाहे एक कपड़ा बन जाए, आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, प्यार देंगे, तो मैं भी अपना घर बना सकूँगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सपोर्ट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बताइए फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं, कहाँ से हो? बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुश हूँ बस, जैसी भी लाइफ कट रही है, बट ये है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा घर चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स बस, और मेरा शरीर ठीक बना रहे तो मैं खुद कमा लूँगी फ्रेंड्स। मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया फ्रेंड्स, ना मुझे करना है, मेहनत करूँगी, चाहे फटे पहनूँगी, आधी खाऊँगी, पर कभी किसी का गलत नहीं करूँगी। बाबू के कपड़े भी सिलते जा रहे हैं, और फ्रेंड्स आप लोगों से भी बातें होंगी तो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। कुछ दिन बाद मैं अपनी डांस की वीडियो डाला करूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, लाइक करना मेरी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और व्यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। आज फ्रेंड्स सबने क्या बनाया? मैंने तो फ्रेंड्स कुछ नहीं बनाया, खाने में शाम का रखा हुआ था फ्रीज में। देखो फ्रेंड्स, ये मेरा घर है, इतना बेकार सा है जिसमें मैं रहती हूँ, क्या करें, साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना, हस्बैंड जैसे में रखेंगे वैसे में रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ये घर फ्रेंड्स, इसमें मैं रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रूम है जिसमें भी लाइट बंद कर दिया है, मैं आपको रूम दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में, अभी तो फ्रेंड्स नहीं है। और ये जो मेरे बाबू की ड्रेस है ना, ये अंदर के इनर गर्म बनियान बोलते हैं वो, ये तो सिल गई है फ्रेंड्स। शाम हो गई फ्रेंड्स, अभी पानी आएगा, पानी भी भरना है। और फ्रेंड्स मेरे इतने मच्छर हो गए, इतने मच्छर हो गए हैं कि कुछ कहने का नहीं।
क्या करूँ, सफाई तो मैं रखती हूँ पर मच्छर रहेंगे, क्या किया जाए। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाती थी, मैंने अब चैनल तो बहुत दिन का चालू किया था। फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर देना जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रही थी। मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊँ, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी घर बैठ के कुछ कर सकूँ, नाम कमाऊँ, अच्छा नाम कमाऊँ, मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँ, जिससे मैं एक अपने बाबू के लिए, अपने बच्चे के लिए छोटा सा घर बना सकूँ। फ्रेंड्स कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, किराए के घर से अच्छा अपना ही घर होता है छोटा, चाहे टूटा फूटा कैसा भी अपना घर अपना ही होता है। लेकिन क्या करूँ, पति के हालात ऐसे हैं जो वो खुद का घर नहीं ले सकते। मेरा मन होता है कि मैं भी कुछ करूँ, अपनी मेहनत करूँ, बाहर नहीं तो घर में बैठ के करूँ, कुछ गलत नहीं करूँ, किसी की चोरी नहीं करूँ, अपनी मेहनत से कमाऊँ। फ्रेंड्स प्रसाद तो दे रही हूँ अपने हस्बैंड का, छोड़ के तो नहीं चली गई, बहुत सी लेडीज़ होती हैं सर फ्रेंड्स चली जाती हैं छोड़ छोड़ के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ना मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैं भी अपने हस्बैंड को अपने पैसों से, अपनी मेहनत से खुद का घर दिलाना चाहती हूँ, जिससे उनका नाम हो, उनकी इज्जत बढ़े, शान बढ़े। देखो फ्रेंड्स कितने सारे कपड़े मैंने सिल दिए अपने बाबू के, मेरा बाबू चला गया बुआ के घर, अभी उसके पापा ले गए थे। देखो फ्रेंड्स बाबू के सारे कपड़े अच्छे हैं, न्यू कपड़े हैं, पहनने से देखो कैसे हो जाते हैं फ्रेंड्स, देखो फट जाते हैं, बच्चे हैं छोटे, क्या करें, नए कपड़े ला दो, अभी लेके आओ तुरंत, वो भी फट जाएंगे। तो इतनी इनकम नहीं है जो रोज़ रोज़ नए कपड़े ला सकते। फ्रेंड्स इन्हीं कपड़ों में गुजारा करना है, छोटे हो जाते तो लेके आना पड़ता है बड़े कपड़े, अब सर्दी आएगा तो बाबू के लिए बड़े बड़े नए कपड़े और लेके आएंगे आने जाने के लिए। फ़िलहाल में तो अभी जो कपड़े हैं उन्हीं को पहनाएंगे घर में डेली वेयर में। फ्रेंड्स मुझे इतना पता है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना वो दूसरों के बारे में अक्सर बुराइयाँ करते हैं, मैं तो भगवान बस ये कह रही हूँ सब लोग खुश बने रहे, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी बनी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए। मैं अपने बाबू के कपड़े सिल दूँ, बहुत सारे कपड़े हैं जो सारे उधड़ गए हैं, उनको सिलना है क्योंकि नया कपड़ा लाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और इतना पैसा हमारे पास अभी नहीं है, बजट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, पैसों की थोड़ी शॉर्टेज हो चुकी है, तो कपड़ा तो लाएंगे, आज नहीं तो कल कभी तो लाएंगे, पर अभी नहीं लाएंगे, फिलहाल अभी तो है कपड़ा पहनने के लिए, घर में बहुत सारे कपड़े हैं, उसको आने जाने के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिलवाने हैं दो चार, तो वो फ्रेंड्स लेके आऊँगी। फ्री टाइम में मैं यही करती हूँ, अपने बच्चे के कपड़े सिलना, घर का तकिया वगैरह कवर, ऐसे कोई भी अगर कपड़े फट जाए तो उनको सिलती रहती हूँ, मैं फालतू नहीं बैठती, मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फ्रेंड्स आप सबको क्या क्या अच्छा लगता है, मुझे मेकअप करना, डांस करना और साफ़ सफाई से घर का काम करना, घर के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो कपड़े हैं बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे वेस्ट कर दूँ, अच्छे जो ठीक कपड़े हैं वो भी वेस्ट कर दूँ, और अभी नए कपड़े हैं वो भी तो फटेंगे, इसलिए यही पहनना है। फ्रेंड्स शाम हो गई है, अभी देखो पानी आएगा, पानी भी भरना है, पानी भरना है, फिर शाम का खाना बनाना है। फ्रेंड्स आज मैं नहाई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी स्वेलिंग आती जा रही है बॉडी में और फीवर सा भी है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी मैं कुछ नहाई नहीं आज और कुछ खाया भी नहीं, आज खाना ही नहीं खाया, बस दवाई खाई थी, वो ब्रेकफास्ट किया था, चाय बिस्किट नमकीन लिया था, उससे दवाई खा ली। फ्रेंड्स मुझे उन लोगों को नीचा दिखाना है जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड मैं आर्टिस्ट लाइन में थी, मेरा डांस छूट गया, 2-3 साल हो गए जो मैं नहीं जा पा रही हूँ, नहीं कर पाती हूँ डांस वगैरह क्योंकि मेरी बॉडी में दिक्कत है, जब से सीज़र हुआ है ना, ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन से बेबी हुआ था और अब बॉडी में इतना दिक्कत हो गया, थोड़ा फैटी भी हो गई, हेल्थी भी हो गई ऑपरेशन से, तो इतना नहीं कर पाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ घर बैठे अपना मेहनत करूँ,
कुछ भी करो, चोरी मत करो, किसी से गलत मत कहो, किसी का गलत मत करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, मेहनत करो, कुछ भी करो घर में बैठ के करो। तो मैं चाहती हूँ अपने घर बैठ के अपने सासू माँ के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, जो अपने मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा। ऐसे ही न्यू न्यू ब्लॉग बनाती रहूँगी और अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा सा घर बनाऊँगी अपने लिए, जिसमें मैं मेरा बेबी आराम से खुशी होगा, अपना सपना का घर होगा, जिसमें हम लोग अच्छे से रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। शादी को 7 साल हो गए और क्या करूँ, हमारा कुछ भी समझ लीजिए, लव मैरिज समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन कुछ हमारी मजबूरी थी, मेरे हालात थे, जो मैंने शादी ऐसा हुआ है मेरा, जो मेरे ऐसे शादी हुआ है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, मैं बस बर्दाश्त कर रही हूँ, किसी को धोखा नहीं दे रही। मैं जो भी है जैसे भी मेहनत करूँगी, अपना यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस ब्लॉग्स पर बनाया करूँगी, आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा यूट्यूब फैमिली। तो मेरा भी एक छोटा सा घर होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको अपना घर दिखाऊँगी और सब लोग कहाँ कहाँ से प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट्स में बताएं, और आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी सिल रही हूँ, कभी अभी बहुत सारे कपड़े रखे हैं सिलने के लिए, मेरे बाबू के न्यू न्यू कपड़े हैं, 2-4 बार पहने हैं, उधड़ गए हैं सारा। रेडीमेड कपड़ा में सिलाई निकल जाता है ना। चलो हो गया ये, अब बाबू का अभी आपको सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत मतलब मोटा पजामे, विंटर कपड़े हैं ये बाबू के, सर्दी आता जा रहा है, बच्चा छोटा है, सर्दी लगती है फ्रेंड्स। तो मैं ये कपड़े बाबू के सिल सिल के अभी से तैयार करके रख देती हूँ और तय करके थैले में भर के रखूँगी। देखो ये फ्रेंड्स, कितना न्यू पजामे है ना, देखो मोटा भी है, कितना अच्छा पजामे है फ्रेंड्स। देखो इसका टी शर्ट तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन पजामे ही रहा। देखो मेरे बाबू का पजामे बहुत मोटा है कपड़ा। ये स्वेटर है बेबी का, इसको देखना पड़ रहा है कहाँ कहाँ फटा है। मैं तो सब तरह के कपड़े पहन लेती फ्रेंड्स, मुझे बेबी फटे कपड़े पहनता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे पुराना हो फटा हो, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं कैसे माँ जो अपने बच्चे को फटे कपड़े पहनती हूँ। हमारे हस्बैंड बोलते हैं अगर अच्छा अच्छा हम खाएंगे, अच्छा अच्छा हम पहनेंगे तो बुरा हो जाएगा, तो कौन खाएगा कौन पहनेगा जिस दिन बुरा वक्त आएगा। तो ये अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, जिससे कि मैं अपने बाबू को भी मतलब यही कपड़े पुराने कवर कर करके पहना रही हूँ। फिलहाल छोटे तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारे सारे कपड़े हमारी जेठानी के बच्चों के कपड़े हैं, और मैं भी उसके लिए बहुत कपड़े लाती हूँ, तो वो न्यू होते हैं सारे, ओल्ड कर देते हैं, छोटे हो जाते हैं तो ओल्ड हो जाते हैं कपड़े, तो उनको नहीं पहना पाते। 3-4 तो तकिए बनाती हैं मैंने बाबू के कपड़े की फ्रेंड्स। और ये जो अभी है ना स्वेटर वगैरह सर, ये तो सारे बड़े हैं, तो ये विंटर ड्रेसेस हैं, तो अभी निकाल के रख रही हूँ पहनाने के लिए। सुई लग के हाथ में, देखो फ्रेंड्स ब्लड आ गया। ब्लड आ गया, सुई लग के हाथ में, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट सहनी पड़ती है। फ्रेंड्स एक बात बताऊँ फैमिली, मुझे ना तो किसी के पास ज़्यादा फालतू बैठना, ना ज़्यादा किसी से रिलेशन रखना अच्छा लगता है, सिर्फ अपने घर अपने परिवार से मतलब रखना अच्छा लगता है, और अपने काम से मतलब रखती हूँ फ्रेंड्स, मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती। क्या फ़ायदा, एक बोलो 400, इससे अच्छा अपने घर के काम में व्यस्त रहो, अपने घरेलू काम करो, अपने बच्चे के लिए काम करो, अपने घर के कामों में ध्यान बटाओ, अपना माइंड अपने घर के कामों में लगाओगे तो ना किसी से लड़ाइयाँ होंगी, ना किसी से कोई फालतू बात होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सही बोला या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये बाबू का पजामा कैसा हो गया, ये तो पूरा ही फट गया है, देखो देखना फ्रेंड्स, पूरा पजामा फट गया बाबू को, इसमें कितना टाइम लगेगा। सब लोग बोलते हैं मैं बैठी रहती हूँ फालतू, देखो
पूरा ही फट रहा है फ्रेंड्स, देखो पास से इसको उल्टा करके फटाफट इसमें न्यू कर देती हूँ मैं इसको। फ्रेंड्स सब लोग बोलते हैं मैं ऐसा नहीं खाती वैसा नहीं खाती ऐसा नहीं पहनती वैसा नहीं पहनती, लेकिन सर जब जब फ्रेंड्स ऐसे हालात होते हैं ना ब्यूटी फैमिली जी, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी फटे पहनता है बुरा खाता है। कभी ऊपर देख के नहीं थूकना चाहिए फ्रेंड्स, नीचे भी देख लेना चाहिए कि नीचे हमसे भी नीचे लोग हैं जो कैसे पहनते हैं कैसा खाते हैं। और फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग खुश रहें, जो जो मेरे चैनल को देखे उसकी लंबी उम्र हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबकी लंबी उम्र हो, जो जिस जो मुझे जानता है उसकी भी, जो नहीं जानता है उसकी भी लंबी उम्र आई, उसके माँ बाप अच्छे रहें। आपको अपनी शादी के बारे में बताऊंगी, मेरी शादी कैसे हुई और बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, कैसे ख़त्म हुई थी, कैसे क्या हुआ था सब बताऊँगी। समय आने दीजिए फ्रेंड्स, सब कुछ बताऊँगी। ज़िंदगी एक संघर्ष है, मेरे चैनल का नाम था ज़िंदगी एक संघर्ष, मेरा नया चैनल ये बना हुआ है। तो मैंने अपने चैनल में अपने बारे में सोच के, अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में सोच के मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा था ज़िंदगी एक संघर्ष, जो मैंने आज अपने चैनल का नाम नेहा फूजाबाद ब्लॉग के नाम से डाल रखा है। इस पर मेरे डेली व्लॉग्स आया करेंगे फ्रेंड्स, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं ब्लॉग्स अगर नहीं भी बन पाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक स्त्री को भी अपना घर परिवार चलाने के लिए। जेंट्स लोग बोलते हैं क्या करती हैं लेडीज़ घर में, कुछ नहीं, लेकिन हर कोई औरत फालतू नहीं बैठती है अपने घर में, हर कोई जेंट्स सब कोई लेडीज़ फालतू नहीं बैठता। मैं जानती वाला कि जेंट्स भी मेहनत करते हैं, लेकिन लेडीज़ अपना घर का मेहनत करती है, हस्बैंड बाहर का मेहनत करते हैं, पर सब लोग मेहनत करते हैं, कोई फालतू नहीं बैठता फ्रेंड्स। अच्छा बहुत हो गया यहाँ पे, मच्छर बहुत आ रहा है, इतना सफाई रखती हूँ फिर भी मच्छर बहुत आता है। एक पैंट मैंने सिल दिया है, इतनी जल्दी एक बार टका और लगाती हूँ फ्रेंड्स, फिर मेरा पैंट बाबू का कंप्लीट हो जाएगा। कितना जल्दी जल्दी सिलाई करती हूँ फ्रेंड्स मैं। ये पजामी ठीक है, पुराना है वैसे, पर ये बहुत कंफर्टेबल है, लूजेबल है पजामी, इसे पहनने से बाबू को आराम मिले। कल आएगा मेरा बेबी तो कल मैं आपको मिलूंगी अपने बच्चे से। और फ्रेंड्स बताइए सब लोग कैसे हैं, कहाँ से हो, क्या करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, कौन कौन मुझे लाइक करेगा, कौन कौन पसंद करेगा, यूट्यूब फैमिली मेरे फ्रेंड्स भाइयों माएँ बहनें सब जो भी मेरे चैनल को देखे, प्लीज़ मेरी परेशानियों को देखते हुए मेरे को सपोर्ट करें, मैं भी आपकी सिस्टर जैसी हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, कमेंट्स करें फ्रेंड्स, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड यू। मेरा पढ़ाई तो मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैंने 12th कर रखा है, बस ITI का डिप्लोमा असिस्टेंट किया है। इससे कुछ ऐसी हालात थी जो मजबूरी हैं, जो मैंने मतलब आगे नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, कुछ ऐप्स आ गए थे मेरे अंदर तो उन कारणों से मैं नहीं पढ़ पाई, जो मेरी खुद की गलती की सजा मैं आज इतनी बड़ी भुगत रही हूँ। देखो फ्रेंड्स कितनी जल्दी सिल गए ये पैंट,
फ्रेंड्स पैंट सिल गया। एक ये देखती हूँ कौन कहाँ फटा हुआ है, पहले तो इतना नहीं फटा है, ठीक है। बाबू की सांता वाली ड्रेस ये भी फटी है क्या? नहीं ये भी नहीं फटी है, इनमें बटन लगाना है तो अभी नहीं लगाऊंगी, ये लगाऊंगी कल। कपड़े सिल चुके हैं फ्रेंड्स, अब मैं इन कपड़ों को सारे मैं बढ़ देती हूँ, ठीक है। पहले तो ये सुई वगैरह उठा के तो ये चुप जाएगा इसे। फ्रेंड्स मैंने पहली बार ब्लॉग बना रहा, मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कप रहे हैं कि मुझे मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैंने किसी का गलत नहीं किया आज तक, पर खुद से फिर भी डर लग रहा है कि मैं ब्लॉग में बोलूँ तो बोलूँ क्या, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मेरा आइस वीक हो गया था, आइस सेट वीक, तो गूगल लगाती हूँ। और बाबू का सेव वन वाला फोर बच्चों का, इसमें भी बटन अप करना है, तो ये मैं कल करती हूँ। फिलहाल तो मैंने अभी इतना काम कर लिया है, अब मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ रखा हुआ होगा फ्रीज में वो खाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये दो कपड़े हैं बाबू के जिनमें बटन लगाना है, ठीक है। इसमें बाबू के कपड़े रख देती हूँ। ये था मच्छरदानी का कवर जो मैंने इसको क्लोज बैग बना दिया है, इतना बड़ा, इसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। बच्चे के कपड़े रख लो फ्रेंड्स सारे पैकिंग करके जल्दी से। मेरे डेली ब्लॉग्स चेक करना फ्रेंड्स, अभी तो आप तक न्यू नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस की, जो मेरे ब्लॉग्स की जो स्टोरी है वो आपको पता चल पाएगी। मैंने ऐसे ही भरती है सारे कपड़े बाबू के बैग में, पहले मैं इतनी पतली थी मैं पहले, बहुत सूखी पाकी लकड़ी की तरह, ममूर की लकड़ी की तरह। अब खा पी के कद्दू लाल बन गई हूँ मैं, जब से मेरा बेबी आया था उससे खा पी के नहीं, मतलब सीजर में तो कुछ खाते नहीं है ज़्यादा, बट मतलब बेबी होने के बाद फैट हो गया है। तो ओके, मैं ये ड्रेसेस सारे बाबू के भर दिए हैं, अभी आपको पैकअप करके फिर जस्ट सीन कराती हूँ, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे बेबी का बैग तैयार। ओके फ्रेंड्स, और ये सामान उठा के अंदर रख देती हूँ, ये पॉलिथीन से पैक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। पूरा दिन हो जाता है कभी कभी, तो घर के काम में कभी कभी तो जल्दी हो जाता है, उठा के रख देते हो सारे। शाम हो गई, अंधेरा हो गया फ्रेंड्स, ये उठा कर रख देते हैं सामान, अंधेरा हो रहा है रूम में, आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ।
ये मेरा रूम है। यहाँ बेड रखा हुआ है, ये मेरा रूम है, ये सामने का है गेट की, और ये इधर ड्रेसिंग है जो बाबू ने तोड़ दिया है। ये है पूरा रूम का लुक, बाहर का गेट है ओपन डोर, बाहर से बेकार अंदर शीशे, रूम बना रखा है बेकार सा। क्या करें फ्रेंड्स, मुझे मेरे लिए यही अच्छा है, मेरा जैसा भी है। सामान को कितने कंफर्टेबल करके रखते हैं फ्रेंड्स, देखो देखिए फ्रेंड्स, बेड वो रखा है, ये गेट खोल दो तो लाइटिंग आती है, मेरा बैग पड़ा है, और ये मेरा रूम है। ये मैंने दीवार बेकार थी तो चादर लगा रखा है पूरे में। ये मेरा रूम का न्यू लुक, क्या करें फ्रेंड्स, किराए का घर है तो ऐसे ही रहना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, खुद का दिया ही नहीं है भगवान ने। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सामान रख देती हूँ उठा के। बैग लेके आती हूँ, जस्ट वन मिनट। ये फ्रेंड्स बाबू का बैग बनाया था जो मैंने, देखो इसमें बाबू के छोटे छोटे बाबू के सारे कपड़े रख दिए विंटर वाले। ये मेरे बाबू का बैग, और ये भी है मेरे बाबू के कपड़े का बैग, जो कि डेली वेयर कपड़े हैं जो हल्के वाले, इसे भी यहाँ बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बैग रख दिया है, अब चलो मैं खाना खा लेती हूँ, हैंड वॉश कर लो पहले, फिर मैं खाना खा के फिर क्या करना है, अभी फ्लो पे भी कवर चढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं तकिए पे खोली चढ़ा दूँ। ओके फ्रेंड, तो मैं तकिए पर कवर चढ़ा दूँ फ्रेंड्स, सर में दर्द हो रहा है और पेट में भी दिक्कत रहती है, दर्द रहता है, क्या करूँ, मजबूरी है, जैसा भी है निभाना तो है ही, अब जो गलती करेगा वो भरेगा, मैंने गलती की तो मैं भर रही हूँ, क्या करूँ, बर्दाश्त कर तो रही हूँ। इतना बदकिस्मत बनाया है भगवान ने, जो हमें खुद का घर नसीब नहीं दिया, इतना बदकिस्मत बनाया है। तकिए पे चलाती हूँ कवर, फ्रेंड्स इसमें तकिया इतना टाइट है, इतना मोटा है, जो मैंने जबरदस्ती उसके अंदर भर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लगा रखा है, अब मैं हैंड वॉश कर लूँ और खाना लेके आती हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कैसा है, अगर तो रूम तो देख ही लिया, ठीक है, ये बाहर का है, ये फ्रेंड्स बाहर का है। यहाँ मैं खाना बनाती हूँ, यहाँ पे गैस रख के खाना बनाती हूँ, ये पानी की बॉटल्स पीने के लिए एक्सपीरियंस है।
और ये भी कपड़े सिले थे, वो कचरा हो चुका था थोड़ा सा, ये भी मैं डस्ट करूँगी। ये बर्तन वर्तन धोने का पुटिया है, ठीक है। और ये वॉशरूम है फ्रेंड्स, मैं आपको कपड़े का भी दिखा देती हूँ। वॉशरूम जीना है नीचे जाने का, और ये किचन है सामने। आइए किचन दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, मेरा दर्शन है जीना है, ये किचन। क्या करूँ, घर को मैनेज करना आता है पर घर अच्छा नहीं है। ये किचन है मेरा, ये बाहर का, ये सामने फ्रंट का। देखिए सामान कितने अच्छे से लगा रखा है मैंने, पर क्या करूँ फिर भी खुद का घर नहीं है मेरा। जिसको साफ सफाई अच्छा से रखने आता है उसको घर नहीं देता भगवान, पता नहीं क्यों। सामान कितने मैनेज करके लगा रखा है मैंने। ये विंडो है हवा आने के लिए, गर्मियों में जैसे कभी भी खाना वगैरह बनाओ तो सारा जहाँ से धुआं वगैरह निकलता रहे खाने का, स्मेल वगैरह। ये बाहर का नज़ारा है, लाइट ऑफ कर दूँ, लाइट तो रहेगा कितनी वो लक्कड़ बुद्धू में। चलो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है, यहाँ से निकल लेती हूँ, हैंड वॉश कर दूँ फ्रेंड्स पहले खा। खाना खाने बैठे बर्तन ले, हाँ बाबू आ रहा है, छोटा बाबू। ओहो ओ छोटा बाबू दिख रहा है मुझे पीछे, अरे वाह। क्या कर रहा है छोटा बाबू, छोटा बाबू क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? हम तो आनंद आ रहे हैं नाना, आनंद आ रहे हैं नाना। लड़के पर रहे लड़के, कौआ लाल तिवारी। चावल लेती हूँ,
यम्मी यम्मी। ये है दाल फ्रेंड्स, दाल है ये अरहर की जो शाम को बनाई थी कल की, अब वो ही चल रही है, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, इसको मैं फ्रीज में डाल देती हूँ। चलो मेरा खाना रेडी हो गया है, मैं अंदर जाके खाना खाती हूँ। आज अब सभी आप सब फ्रेंड्स भी खाना खा लीजिए, आ जाइए। ये है दाल चावल, अभी आती है रोटी लेने जा रही हूँ। मेरे रूम में अंधेरा बहुत हो जाता है गेट लगने से। फ्रेंड्स मैं रोटी ब्रेड लेके आती हूँ भी। आज फ्रेंड सभी खाना खा लीजिए, मैं क्या खा रही हूँ आप सबको भी, आ जाइए खाना खा लीजिए, आप सबको बताती हूँ। ये है दलिया चावल दाल और इसमें है रोटी, मेरी रोटी फ्रेंड्स, इतना खाना खा रही हूँ। और ये मेरी पानी की बोतल। आज फ्रेंड्स आप भी खाना खा लीजिए, अब पहला ब्लॉग है, अंधेरा भी आ रहा है, क्या करूँ मैं, पूरी ऐसे ही बना रही हूँ उल्टा सीधा, तभी तो सीखूँगी आप लोगों की तरफ बनाना। आ जाओ फ्रेंड्स सभी लोग खाना खा लीजिए। सो ये दाल टूटी बनी थी, मेरे दर्द होता है मैं किसी को नहीं बताती। हमारी रोशनी अभी कुछ दिनों में डांस का सेटअप तैयार करूँगी, मैं फिर मैं वीडियो डाला करूँगी इस पर यूट्यूब पर, यहाँ इस वाली लोकेशन पे, पर्दे पे। और बहुत मच्छर है, नहीं मरा नहीं, मतलब वो मैंने हाथ से कर दिया, भगाया तो वहाँ आ रहा था तो न्यू कर दिया, भगा दिया, मारा नहीं खाना खाते टाइम, मच्छर थोड़ी नहीं मारूँ फ्रेंड्स। आप भी खाना खा लीजिए सब लोग मिलके, जिसको खाना फ्रेंड्स आ जाओ खाना खा लो। घर में बहुत काम हो जाता है, वीडियोस नहीं शूट हो पाती हैं, क्या करें।